हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वेस्टवर्ड सीरीज का 28th पार्ट। इसके बाकी पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि डार्क सोल का राज अब खुल चुका है और डाइशिटियन ने अपने लोगों के साथ हेवन पर अटैक कर दिया है। उधर जैंग और उसके साथियों का मुकाबला नाजिया से होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब वो ज़ॉम्बीज भी उन पर अटैक करने आते हैं। जैंग सबको सावधान रहने को बोलता है और कहता है कि उसे इन मॉन्स्टर्स के हाथ नहीं लगनी चाहिए। इधर नाजिया को भी संभलने का मौका मिल जाता है और वो जैंग से कहता है कि मैंने तुम लोगों को बहुत अंडर एस्टिमेट किया है, लेकिन अब मैं ऐसी गलती नहीं करने वाला। ये कहकर वो खुद को अटैक के लिए तैयार करता है और उधर वो ज़ॉम्बीज भी जैंग की टीम को घेरने लगते हैं। उसी इन ज़ॉम्बीज को देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन बाइलैंग बलाहार कैसे मान सकता था, और वो एक एक करके उन ज़ॉम्बीज से लड़ना शुरू कर देता है। तभी कुछ ज़ॉम्बीज उसी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन बाजी उन्हें उस तक नहीं पहुंचने देता और सैंडी भी अपनी रेत की पावर से उन्हें रोकने में लग जाता है। आगे हम उन ज़ॉम्बीज को नाजिया की तरफ आते हुए देखते हैं, लेकिन वो चुटकी बजाते ही उन्हें वेपोराइज कर देता है और जैंग भी उसकी इस अमेजिंग पावर को देखकर हैरान रह जाता है। फिर वो नाजिया को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि मोटर्स की दुनिया में तुम जैसे मॉन्स्टर का कोई काम नहीं है। नाजिया भी अपना डिफेंस तैयार करता है और एक फायर स्टॉर्म में बदलकर आसमान की ओर जाने लगता है। वो कहता है कि मुझे चैलेंज करना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी और अब मैं तुम्हें एक प्राचीन ड्रैगन की असली ताकत दिखाऊंगा। ये कहकर वो अपनी लोटस फ्लेम पावर एक्टिवेट करता है, जिससे वहाँ बड़े बड़े आग के गोले गिरने लगते हैं और जैंग और उसकी टीम के साथ साथ उन ज़ॉम्बीज की भी शामत आ जाती है। वो सब बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और नाजिया कहता है कि जितना भागना चाहो भाग सकते हो, लेकिन तुम्हें राख होने से कोई नहीं बचा सकता। तभी उस पर अटैक करने सैंडी आगे आता है और उसकी रेत उस आग के तूफान को शांत कर देती है। बाजी भी मौका देखकर सैंडी की मदद करने आता है, लेकिन नाजिया के डिफेंस को नहीं तोड़ पाता और नाजिया अपनी फायर पावर से उसे जलाने लगता है। जैंग बाजी से कहता है कि इसे तुम्हें थोड़ी देर और उलझा कर रखना होगा और खुद भी उस पर अटैक करने को तैयार हो जाता है। तभी उसके पीछे से ओज़ू बाहर आता है और उसका इलेक्ट्रिक शॉक नाजिया को फ्रीज कर देता है, और इससे पहले कि नाजिया को समझ पाए जैंग को उसके वीक पॉइंट्स दिखने लगते हैं। फिर वो तेजी से उसके वीक पॉइंट्स को टारगेट करता है और नाजिया उछलकर दूर जा गिरता है। उसकी टीम ये देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद हमने उस मॉन्स्टर को मार गिराया है। ओज़ू को भी ये देखकर बहुत मजा आता है और वो कहता है कि फाइनली उस बूढ़े ड्रैगन को अपना सबक मिल गया है। तभी अचानक जैंग कुछ देखकर चौंक जाता है और इससे पहले कि वो ओज़ू को वॉर्न कर पाए, नाजिया का आइस ब्लेड उसके हाथ को काट डालता है। ओज़ू दर्द से चिल्लाने लगता है और उसके साथी भी ये देखकर शॉक हो जाते हैं। वो ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता और तभी वो नाजिया को आते हुए देखते हैं, जो कहता है कि ये मैंने तुम्हें तुम्हारे धोखे की सजा दी है। वो सभी नाजिया को जिंदा देखकर बहुत हैरान होते हैं, लेकिन नाजिया उन्हें बताता है कि मेरी बॉडी एंटिक ड्रैगन स्केल से बनी है और तुम्हारे ये अटैक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आगे वो कहता है कि मैं तुम सब लोगों को तड़पा तड़पा कर मारूंगा और खास कर इस ओज़ू को, जिसने मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत की है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हेवन में आता है, जहाँ डाइशिटियन मंकी किंग को आजाद देखकर बहुत हैरान है और कहता है कि मुझे तुम्हें कम नहीं समझना चाहिए था। तब मंकी किंग उसे बताता है कि ये तो मेरी और गुआन की चाल थी, ताकि हम तुम्हारे सीक्रेट को सबके सामने ला सके, और अब हमारा वो मिशन पूरा हो गया है। गुआन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और हम उनका एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ हेवन में आते ही मंकी किंग गुआन से मिलने गया था और उसके रूम को तहस नहस कर दिया था। गुआन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी मंकी किंग डाइशिटियन की तलवार उसकी ओर फेंकता है और गुआन समझ जाता है कि ये यहाँ हमारी मदद करने आया है। आगे वो डाइशिटियन से कहता है कि तुमने हेवन को डिवाइड कर दिया है, लेकिन हम तुम्हें इसमें कामयाब नहीं होने देंगे। डाइशिटियन ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि डार्क सोल्स ऑलरेडी हेवन में आ चुकी हैं और अब तुम इन्हें नहीं रोक सकते। फिर उसके इशारा करते ही डार्क सोल्स हेवन पर अटैक कर देती हैं और हेवन सोल्जर्स भी उनसे भिड़ जाते हैं। मंकी किंग वान से कहता है कि मैं तो रूल आई का मिशन पूरा करने आया था, लेकिन अब इन डार्क सोल्स को मजा चखाए बिना नहीं जाऊंगा। वो जैंग और रूल आई के साथ साथ उन सभी लोगों को याद करता है जिनकी लाइफ डार्क सोल्स ने बर्बाद कर दी है और कहता है कि अब इन डार्क सोल्स को सजा देने का वक्त है, लेकिन पहले वो उससे सुई के बारे में पूछता है, जो उसे हेवन में कहीं नजर नहीं आई। और इस पर गुआन कहता है कि क्या रूलाई ने तुम्हें कुछ नहीं बताया।
तो फ्रेंड्स, अगर आप मंकी किंग और सुई की लव स्टोरी देखना चाहते हैं तो उस मूवी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इधर मंकी किंग उसे साफ साफ बोलने को कहता है और तब ग्वान उसे बताता है कि सुई अब इस दुनिया में नहीं है, और ये सुनकर मंकी किंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ग्वान कहता है कि कोई भी उसकी मौत के बारे में कुछ नहीं जानता और तुम भी उस वक्त अपनी जर्नी पर गए हुए थे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और मंकी किंग इसका जवाब जानने के लिए उस क्रोल को समन करता है जिसमें रूल आई का दिया वो लिटिल बुद्धा है। वो उससे सुई की मौत के बारे में पूछता है और वो बुद्धा बताता है कि रूल आई ने इसके लिए भी एक मैसेज रिकॉर्ड किया है। मैसेज में रूल आई बताता है कि मुझे भी इस बारे में डाइशी टियान से पता चला था कि सुई की किसी बीमारी से मौत हो गई है, लेकिन मुझे डर था कि ये सुनकर तुम खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे और इसीलिए मैं सही वक्त आने का इंतजार कर रहा था। आगे वो उसे समझाता है कि तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा क्योंकि सुई से भी तुमने यही वादा किया था। लेकिन मंकी किंग का दिल ये सुनकर टूट जाता है और वो सुई को याद करके रोने लगता है। यहीं दूसरी तरफ ग्वान डार्क सोर्स को रोकने की कोशिश करता है जिनमें से एक सीधी शीगुओ के पास जा पहुंची है। पता चलता है कि वो शीगुओ के पुराने स्टूडेंट सुजाकू है, लेकिन आज वो उसके लिए मौत बनकर आई है। फिर हम उसे शीगुओ पर अटैक करते हुए देखते हैं और घायल होने के बावजूद शीगुओ भी उसका मुकाबला करने लगता है। सुजाकू उस पर अपना फेदर अटैक करती है और इससे निकला डार्क बर्ड शीगुओ के पीछे पड़ जाता है। इधर हम म्यूटियान को देखते हैं जिसका सामना एक दूसरी डार्क सोल से होता है। वो उस पर अपनी रेजोनेंस पावर का यूज करता है, लेकिन जैसे ही उसे छूने जाता है वो आदमी उसे अपनी प्लाज्मा शील्ड में फंसा लेता है और ये म्यूटियान के हाथ को काटने लगती है। आगे हम मंकी किंग को देखते हैं जो समझ जाता है कि सुई की मौत में डाइशी टियान का हाथ है और वो उससे इसका बदला लेने जाता है। डाइशी टियान उसके अटैक को रोक लेता है और तब मंकी किंग उससे पूछता है कि आखिर तुमने सुई के साथ क्या किया है। इस पर डाइशी टियान कहता है कि सुई तो एक मासूम लड़की थी और पिता होने के नाते मुझे भी उसकी मौत का बहुत दुख है, लेकिन फिर उसे मेरी सच्चाई का पता चल गया और मेरे पास उसे मारने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो बताता है कि कैसे उसने सुई का सारा खून पी लिया था और अगर मौका मिले तो वो उसे दोबारा टेस्ट करना चाहेगा। मंकी किंग ये सुनकर गुस्से से पागल हो उठता है, लेकिन इससे पहले कि वो डाइशी टियान को चोट पहुंचा पाए एक पंच उसे उछालकर दूर पटक देता है और हम देखते हैं कि ये पीशा मैंटियान है जो डाइशी टियान की रक्षा करने आया है। डाइशी टियान भी उसकी वफादारी से बहुत खुश होता है और कहता है कि अब इस डीमन को तुम ही सबक सिखा सकते हो। तभी हम मंकी किंग को फिर से उठते हुए देखते हैं और वो खुद को अपने डीमन रूप में ले आता है। इधर पीशा भी पहले तो उस पर अपनी थंडर फिस्ट का यूज करता है और उसके संभलने से पहले ही अपनी स्काई मार्क पावर से उसे कुचलने की कोशिश करता है। मंकी किंग उसे रोकने में लग जाता है, लेकिन देखता है कि इसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा है। पीशा कहता है कि तुम्हें मारने के लिए तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट को तोड़ना होगा और ये कहकर वो अपने अटैक को कई गुना बढ़ा देता है। वो बताता है कि तुम जितना स्ट्रगल करोगे इसका प्रेशर उतना ही बढ़ता जाएगा और फिर वो उस पर अपना मैक्सिमम वेट डालता है जिससे मंकी किंग का दम भी टूटने लगता है। वो समझ जाता है कि उसे अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा ताकि वो अपने डीमन सोल की पावर को कंसंट्रेट कर पाए, और ऐसा करते ही वो छोटे रूप में आकर वहाँ से बच निकलता है और पीशा का स्काई मार्क टूट जाता है। फिर वो अचानक से पीशा पर अटैक कर देता है और कहता है कि अब ताकत आजमाने की मेरी बारी है। वो अपनी स्टिक से उसकी बहुत पिटाई करता है और पीशा भी ज्यादा देर उसके सामने नहीं टिक पाता और जल्दी ही ढेर हो जाता है। फिर वो गुस्से में डाइशी टियान की ओर देखता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।